लोग यकीनन अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाफियत का मामला करे। आज मैं आपके साथ अपना जो पॉमीग्रेनेट का प्लांट है उसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ। ये मेरे एक साल का प्लांट है और आज मैं इसका हार्वेस्ट करने आई थी। मैं जो है वो ग्रो हो गया है, मेरे जो पॉमीग्रेनेट देखें कितने सारे लगे हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पहले भी मैं इसको में से एक आध तोड़ चुकी हूँ और ये देखें ये लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है और ये छोटे छोटे और भी लगे हुए हैं, ये देखिए। तो आज देखते हैं कि भाई कैसा है ये मेरा जो है। वैसे तो जो पॉमीग्रेनेट का पौधा होता है इसका जो मेच्योर टाइम होता है 4 to 5 years होता है और ये फ्रूटिंग शेयर करता है 2 to 3 years में, लेकिन मेरा जो है वो विद इन 1 year ही इसने फ्रूटिंग अच्छे से शुरू कर दी है। और देखते हैं कि भाई कैसा इसका रिजल्ट है, इसको तोड़ के भी देखेंगे। मैं आप लोगों का मेरे साथ रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का निकल रहा है और कैसे पता चलेगा कि ये पक गया है और इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं भाई इसका जो अनार है पॉमीग्रेनेट, इसका साइंटिफिक नेम है पोनिका जेरेनेटम और इस प्लांट की जो हाइट है वो 5 to 16 feet तक चली जाती है और इसका जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो मिड स्प्रिंग टू फॉल तक होता है। ये हमें अक्टूबर टू फेब तक अवेलेबल होते हैं हर जगह और इसकी बहुत सारी जो है स्पीशीज होती हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा ये इंडिया में पाया जाता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी इंडिया की होती है, उसके बाद ईरान की होती है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। और ये देखिए कितने अच्छे इसके फ्रूटिंग हो रही है। आज हम जो है ना हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जी इसका किस तरह का फल निकलता है और कितना टाइम लेता है, इसकी ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे ग्रो करना है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाती है। जब एक ही वीडियो में मैं बना रही होती हूँ तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो अब इसकी सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जी इसका सीजन तो मैंने बता दिया इसको कि आपका जो है ये हमें अक्टूबर टू जो है फेब तक मिल जाता है और एक साल में जो है बहुत कम ऐसा होता है कि फ्रूटिंग दे दे, लेकिन दे देता है, लेकिन ये जो है किसी स्पेसिफिक टाइम पे नहीं देता, ये स्कैटर्ड फ्रूटिंग दे रहा होता है, ठीक है। और इसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है, देखिए जैसे मेरे भी जो पॉमीग्रेनेट है इसका साइज देखें थोड़ा सा जो नॉर्मल हमारे आते हैं उससे छोटा है, देखें। लेकिन ये सबके सब पक चुके हैं, ये देखें, एक तो स्प्लिट भी कर चुका है, ये भी एक जो है इसमें डिजीज होती है जिसकी वजह से ये स्प्लिट कर जाता है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों ऐसा करता है ये। तो सबसे पहले ये बात बता दें कि भाई इसमें जो सबसे पहले अनार में प्रॉब्लम आती है वो ये आती है इसके ट्री में कि ये शिकायत होती है कि भाई इसका फ्लावर नहीं अपनी जगह टिक रहा, मतलब फ्लावर बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो अनार का पौधा है इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, यानी इसमें मेल फ्लावर भी आता है और फीमेल फ्लावर भी आता है। तो जो मेल फ्लावर है आप देखिए कितनी तेज विंड है इसमें जो वैसी फ्लावरिंग गिर जाती है, लेकिन जो मेल फ्लावर है वो तो गिरेगा ही गिरेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में क्या फर्क होता है। तो जो मेल फ्लावर होता है ये देखिए, जो मेल फ्लावर होता है उसके पीछे ये देखिए ऐसे स्ट्रेट सा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। जो फीमेल फ्लावर होगा वो इस तरह का होगा थोड़ा सा, ये तो बड़ा हो गया है लेकिन ये कि वो थोड़ा सा पीछे से आपको पॉमीग्रेनेट बना नजर आएगा, जब फ्लावर होगा तभी भी नजर आएगा इसमें। तो जो मेल फ्लावर होगा वो तो गिरेगा ही, और जो अगर किसी का जो फीमेल फ्लावर है वो भी गिर रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी है इसमें आपके पौधे में, तो आप इसमें खाद ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात है जो सबसे बड़ी बात आती है उसमें यह आती है कि एज कितनी है आपके जो प्लांट है, अगर प्लांट की एज 2 to 3 years तब गिर रहा है तो फिर तो लाजमी तौर पर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपको खाद वगैरह डालनी है। और अगर इससे कम पे गिर रहा है तो फिर आप को वेट करना पड़ेगा एक साल का। और जब इसका ट्रंक साइज बड़ा होगा, ये देखिए जी इसका ट्रंक साइज भी इतना बड़ा नहीं है, तो इसका साइज भी इतना बड़ा नहीं आ रहा, तो जब इसका ट्रंक साइज बड़ा होगा तो यकीन है इसकी फ्रूट भी बड़ा होगा। तो अब इसके जो है फ्लावर अगर गिर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूं कि आप क्या करें, इसके लिए बहुत अच्छी टिप है कि आप पोटाश लें, 1 चम्मच पोटाश 1 liter पानी में डालें और इसके जो पत्तों पर स्प्रे कर दें और बाकी इसकी जमीन में डालें। इसके अलावा आप इसमें क्या डाल सकते हैं, सरसों की खली डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। मैंने सिर्फ एक दफा जो है, मेरे भी बहुत ज्यादा फ्लावर इसके गिर रहे थे तो मैंने एक ही दफा में इसमें पोटाश डाला था, उसके बाद इसके फ्लावर बिल्कुल भी गिरना बंद हो गए थे। लेकिन अगर ना बंद हो तो आप ये 1 month के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो है
एक तो इसका फ्लावरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा साइज का, साइज का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रंक साइज की वजह से होता है कि इसका ट्रंक साइज छोटा है। तो आप क्या करें, प्रूनिंग करें इसकी अच्छे से हार्ड, और फिर जब देखिएगा जब इसका ट्रंक साइज बड़ा होगा तो इसकी फ्रीडम खुद ब खुद बड़ी होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं, जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट है, सुपर फूड कहलाती है ये भी जो है, और इसके साथ इसमें विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये फुल ऑफ जो है ये आपका डाइजेशन जो है वो उसको इम्प्रूव कर देता है, फ्री रेडिकल जो रिमूव करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्स को डैमेज होने के लिए, आपकी स्किन रेडिएंट कर देता है, और इसके अलावा इसमें इन्फ्लेमेशन को रोकता है, रिड्यूस कर देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसके अलावा क्या करता है आपका जो है किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है आपके, और इसके अलावा ये क्या करता है जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत अच्छा होता है, जो प्री मेच्योर बर्थ होती है उसको कंट्रोल करता है, इसके अलावा जो है जो जिम में लोग करते हैं एथलीट होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, वो यूज़ कर सकते हैं आपके जो है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फायदे आप सुनने लगेंगे तो शाम हो जाएगी। तो अभी तो मैं सिर्फ ये आप लोगों को, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं कि आप अपना खुद लगाकर जो है अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक फ्रूट खाएं और अपने फ्रूट्स की तरफ आएं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत सारी जो है फ्रूट से माला माल, चीज़ों से माला माल किया है, लेकिन हम अपनी बहुत ज़्यादा जो बिजी होने की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अब ये है एक बात और आ जाती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जी फ्रूट जो है वो तैयार है और राइप है। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये होता है कि अनार की ये वजह होती है कि इस पर कोई भी ग्रीन आपका कुछ भी नहीं रहेगा, देखें ये ग्रीन पार्ट इसका रहेगा ही नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो है ना वो ब्राउन हो जाएगा, ऊपर का टिप है वो ब्राउन हो जाएगी और इसमें ग्रीन पार्ट नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, इसको थोड़ा सा कहेंगे तो ये स्पंजी होगा, थोड़ा सा स्पंजी होगा, हार्ड नहीं होगा। तो हम इसको कट करके देखते हैं, इसको मैं काटती हूँ, फ्रूट है रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखें बहुत इजी हो रहा है इसको कटिंग करने में, हार्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है हमने सही टाइम पर इसको जो है कटिंग कर ली है। देखें जूस भी गिर रहा है यार, यहां से मैंने इसको काटा, अब ये देखें, ये देखें साइज तो छोटा है लेकिन बिल्कुल रेड निकल रहा है देखें, और ये इंशाल्लाह बड़ा भी हो जाएगा इसका साइज बिल्कुल। मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है, फिर बहुत मीठा है, रेड और बिल्कुल मीठा है, तो जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अपने घरों पे लगाइए, और बहुत इजी है ग्रोइंग ग्रो करना प्लांट्स को, कोई इतना मुश्किल हार्ड नहीं होता है, बस थोड़े से आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपने घर में फ्रूट, अपने घर में वेजिटेबल्स आराम से लगा सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।